ब्रिटेन में और कोलंबिया में रहते हुए जो अपने जो रिसर्च वर्क उन्होंने किए, थीसिस लिखे, उसमें भारत के बारे में कैसा वे वर्णन करते हैं, इसको समझना जरूरी है। भारत पराधीन है और डॉक्टर साहब एक अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए, वहां पले बड़े हैं, अनेक प्रकार का दुख अपमान सहन करने वाले देखने वाले हैं, लेकिन भारत को देखने की दृष्टि कैसी है। उन्होंने अपने आर्टिकल से भारत के बारे में जो वर्णन किया है वो आश्चर्यजनक है। वो भारत को कहते हैं भारत कितना सुंदर है मेरा, यहां की भारत की विविधता कैसी है, यहां का फ्लोरा फौना कैसा है, यहां की सांस्कृतिक एकता कैसी है, फंडामेंटल यूनिटी कैसी है। और इसके बारे में कहते हैं पूरा देश नीचे से ऊपर तक, बाएं से दाएं तक एक है। और जो लोग बाद में कहते हैं देश एक नहीं है, उनके लिए एक अच्छा जवाब डॉक्टर साहब ने लिखा है, कास्ट इन इंडिया। उसमें डॉक्टर साहब लिखते हैं भारत में जो यूनिटी है, जो फंडामेंटल है, मौलिक है, हजारों वर्षों की है, उसको समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब लिखते हैं इट इज द यूनिटी ऑफ कल्चर दट इज द बेसिस ऑफ होमोजेनाइटी, टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड आई वेंचर टू से that there is no country that can rival the Indian Peninsula with respect to the unity of its culture. It has not only a geographic unity, but it has over and above all a deeper and a much more fundamental unity, the indubitable cultural unity that covers the land from end to end. भारत की इस मौलिक एकता के विरोध में कुछ लोग लिखते हैं, वो कहते हैं भारत अनेक देशों का एक देश है। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, ये देश एक है, फ्रॉम एंड टू एंड एक देश है। और ये फंडामेंटल यूनिटी के पीछे कुछ अंतर्निहित धाराएं, कुछ बातें हैं जिन्होंने इस देश को एक बना करके रखा है। वो सामान्य बातें नहीं है, वो असामान्य बातें हैं। हजारों वर्षों से ये देश एक है। पॉलिटिकली बहुत सारे राजा होंगे, पॉलिटिकली राज बहुत सारे होंगे, लेकिन देश एक है।